चंदनगढ़ लाइसेंसधारी गाइडों का जीवन जीना हुआ खतरे में, खाने के पड़े लाले। एसडीएम राजनगर को लिखित आवेदन दिया। छतरपुर जिले की विश्वविख्यात नगरी खजुराहो में एक साल करीब से मान्यता प्राप्त गाइडों पर काले बादल छा गए हैं और उन्होंने उन्हें खाने पीने के लाले भी पड़ रहे हैं। खजुराहो में जहां देसी विदेशी लोग मंदिरों के दर्शन करने आते हैं, किंतु फुल पार्टी लोगा गाड़ी गाइड बनकर देसी विदेशी सैलानियों से उल्टी सीधी कमाई कर रहे हैं और मान्यता प्राप्त गाइड हाथों पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, जिससे गाइडों के परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल पड़ रहा है। मजबूरन गाइडों ने एसडीएम महोदय राजनगर को लिखित आवेदन दिया। 15 तारीख तक हम लोग न्याय नहीं मिलता है तो 15 तारीख को अनिश्चित तत्कालीन हड़ताल पर बैठे जाएंगे। आप लोगों ने एसडीएम को किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है? ये ज्ञापन जो हमारे भारत सरकार से अधिकृत गाइड हैं और मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग से जो अधिकृत गाइड हैं, उन लोगों ने सारे इकट्ठा होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। चूंकि हमारे कार्य में बहुत बड़ी बाधा लोग बन रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो अधिकृत नहीं है, वो टूरिस्टों को बरगला कर ले जाते हैं, और जिन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है इस कार्य के लिए, वो हम लोगों को काम नहीं मिलता है। तो हम बड़े पीड़ित हैं, इसलिए हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं। और 15 तारीख से यदि हमें नहीं सुना गया तो 15 तारीख से हम धरने पर बैठ रहे हैं। तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी आपकी? अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा जब तक हमें सुना नहीं जाएगा। क्या काम बंद हड़ताल होगी आपकी? ये बेशक काम बंद हड़ताल है और हम किसी भी प्रकार का पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ काम नहीं करेंगे। न कोई व्यक्ति मंदिरों को घुमाने के लिए जाएगा जब तक हमें हमारी समस्याओं को सुना नहीं जाएगा। तो आपने संदर्भ में कहाँ कहाँ ज्ञापन अभी भेजे? हमने विगत वर्षों से हमने कई बार कोशिश की है, सारे लोगों को बताया है, लेकिन ये सामने आता है कि भाई जो अनाधिकृत गाइड हैं वो उनके पास क्या व्यवसाय है। तो ये कोई तर्क नहीं है। यदि किसी आदमी के पास व्यवसाय नहीं है और दूसरे के व्यवसाय पर बाधा बन रहा है तो ये सरकार की सोच है, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, लेकिन किसी दूसरे का व्यवसाय तो ना कम से कम छीना जाए। तो ये जो 150 हम लोग गाइड हैं, दोनों मध्य प्रदेश और भारत सरकार पर्यटन से संबंधित, वो एकदम मतलब कंगाली की हालत में आ गए हैं, उनके पास काम नहीं है।